हाँ मान लीजिए तो सब तीन चार कराएंगे तो चक्कर होंगे, टेंशन नहीं लो, वो उसमें सब आ जाएगा, तो बाकी तुम खुद कर लोगे, है ना। मैंने मैंने की एक गलती कि मैं सब करवा देता था, बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते थे। देखो राखी बुक का, राखी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन बुक का नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो मैं ये भी बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है, पारस विकास नितिन वाला है ना। तो देखो तुम्हारी बुक का है, तुम ऐसे ही बैठे रहोगे, मुड़ के देखना पीछे, तुम यहाँ आ जाओ उसको बुक ही में देख लो तुम, है ना। अरे तुम आगे, अरे इतना अरेंज नहीं करवाएंगे भाई, हर बार एडजस्ट करना पड़ता है। 15 बच्चों को 5 बच्चे बुक लेके आते थे हम उस टाइम, है ना। देखो अब जब इंग्लिश का पढ़ो, हिंदी वाले ना, हिंदी वाले क्या करेंगे भाई, हिंदी वाले, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज ये है कि जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे सुनते चले जाना, है ना। देखो पारस विकास है नितिन और पार्टी ना कौन, सब लोग क्या है पार्टी है, ठीक है। ऑन 1 जनवरी 2023 मतलब क्या है, 1 जनवरी 2023 को उन्होंने क्या किया, देयर कैपिटल वाज 1,80,060 रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर ने 1 जनवरी 2023 को कैपिटल क्या थी, 1,80,060। तो जिस प्रकार ऊपर ऊपर में वो दिए ना क्या बोलते हैं क्रमांक, पारस विकास निधि, उसी प्रकार 1,80,060 दिया, मतलब 1 लाख किसकी कैपिटल है, पारस की, 80,000 किसकी कैपिटल है, विकास की, और निधि कैपिटल कितनी है, 60,000, ठीक है। देयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इज 3:1:1, तो उनका रेशियो क्या है प्रॉफिट बांटने के लिए, 3:1:1। देखो 3:1:1 तो इसका टोटल कितना हो गया, 3, 4, 5, तो नीचे 5 भी लिख दो, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 5 में से 3, 5 में से 1 और उसको 5 में से 1, ठीक है। उसके बाद जब तुम देखोगे, है ना, उसके बाद देखो इंटरेस्ट एट 5% इज गिवन ऑन देयर कैपिटल, मतलब क्या है वो कैपिटल कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, 5%, तो 1 लाख का भी 5% निकलेगा, 80,000 का भी 5% निकलेगा, और 60,000 का भी 5% निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसने क्या बोला है, देखो सॉरी, है ना, 5% देयर कैपिटल, पारस गेट 8,000, विकास गेट 6,000 पर एनम एज अ सैलरी, सैलरी अपने साल में किसी अगर उसने मंथ की दिया तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, साल में, जैसे मान लो 1 मंथ की उसने देखे रखी हो कितनी, 600 रुपए, तो उसको क्या करोगे, साल में कन्वर्ट करोगे, तो 12 साल से कर लोगे, तो ये साल भर की आ गई, ठीक है। और उसमें पर एनम लेके रखी तो उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको वैसे के वैसे ही लेंगे। उसमें देख दिखाया था वो भाई पारस को दी है कि पारस को क्या वो मिली है सैलरी, और विकास को सैलरी मिली है, अब नितिन को नहीं मिली, तो नितिन को जबरदस्ती दोगे नहीं, उसमें जो लिखा वैसे के वैसे यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 62,000, तो जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था, हाँ तो ये 62,000 कहाँ लिखाएगा ये बताओ मुझे, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा ये बताओ, ठीक है। 62,000 क्रेडिट होगा, कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट तरफ, है ना, ये प्रॉफिट पहचानना भी आना चाहिए क्या प्रॉफिट और क्या, ठीक है। इन द ईयर इच पार्टनर विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फॉर 5,000, मतलब हर एक पार्टनर 5,000 पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो क्या होगा, इनके ड्रॉइंग हो गई ना। अब जब उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कुछ भी नहीं बोला, तो दो का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड में हमने क्या पढ़ा है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कब देंगे, जब उसमें लिखा होगा, नहीं लिखा है तो साइलेंट या नहीं लिखा है तो क्या देंगे, नहीं देंगे, पर लोन पर देंगे वो भी 6%, ये क्वेश्चन करते टाइम भी ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब उसमें बोला है कि इसके लाभ लाभ हानि खाता बनाओ, मतलब क्या है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, है ना, और उसके बाद क्या बनाओ, कैपिटल भी बनाओ, कैपिटल अकाउंट फिक्स का भी और फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कौन से कैपिटल अकाउंट बनाओ, हाँ तो वो कैपिटल नहीं बनाना, तो कौन कौन से बनाने हैं, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बनाना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन सिखा दूं, ठीक है। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख के तुम लोग को क्वेश्चन करना है, पर बिना इन्फॉर्मेशन मैं बिना इन्फॉर्मेशन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये बताओ, बता जल्दी, यस सर, बिना इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं, अरे मुझको कहां से करूंगा, भगवान हूं मैं,
हाँ अरे नहीं मेरे छोटा साधारण इंसान हो ना, तो यहाँ देखो ठीक है। देखो अब जल्दी मैं तो शॉर्ट में बनवा रहा हूँ और तुम देखते रहो। सबसे पहले क्या बोला था उसने, यहाँ पे क्या लिखो, बाय प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पोस्टर पे क्या करोगे, कितना प्रॉफिट दिया है तो 62,000 में यहाँ लग गया ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या, तो बस तो बोला ही लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं तुम, लॉस तो लॉस तो दिया नहीं है, पर प्रॉफिट हो गया तो लॉस होगा। नहीं तुमने खाना खा लिया तो भूख लगेगी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे तो कौन कौन है, पारस, विकास और नितिन। तो पहले बात तो वर्किंग नोट में निकालोगे वो चीजें, क्या करोगे वर्किंग नोट में, तो देखो वर्किंग नोट में कितना परसेंट निकालने को बोला है उसने। हाँ तो वर्किंग नोट में लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 5%। सबका 5% है ना, समझ में आया सुना है। इंग्लिश हिंदी वालों को दिक्कत तो नहीं है इस लाइन से, दिक्कत है तो भाई वो तो नहीं भाई है, तुम हिंदी में लिख रहे ना, पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट 5%, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कहेंगे इंग्लिश में कौन से इंप्रेशन, तुम लोग इंप्रेशन वाला लगे हिंदी साथ में भले ही आपने, है ना, हिंदी मीडियम में रहता हूँ, बड़ा खोप देता है इंटर में, पता है। चल ठीक है, उसके बाद देखो तो देखोगे पारस का निकालोगे पहले, जब पारस का निकालोगे तो पारस की कैपिटल कितनी है, हाँ ये मत बोलना सर किस पे निकालो इंटरेस्ट, कैपिटल पे निकालना है ना। मैं देख नहीं रहा हूँ ना, तो तुम गलत परसेंट बता दो, तुम्हारे तो भरोसे हूँ मैं। हाँ तो 5% निकालने के लिए 5 से 2 करके डिवाइड किससे करते हैं, कोई नहीं बताया किससे डिवाइड करते हैं, परसेंट में। हाँ वाह यार इंटेलिजेंट है मतलब, ठीक है 2 0 से 2 0 कट जाएंगे तो कितना आ गया ये, 5,000, 5,000 आया ना बेटा, है ना। और बच्चा विकास की कैपिटल कितनी थी, ठीक है तो 80,000 का 5% निकालोगे भाई, 5 रुपये 100 कर दो ठीक है, तो 5×8 = 40, तो कितना आएगा इसका, 4,000 है ना, 4,000 ठीक है। फिर नितिन का देख लेंगे, जब नितिन का देखोगे तो नितिन की सैलरी कितनी दो हजार आ जाएगा, 60,000 कैपिटल, तो 60,000 का 5% निकालोगे कितना आएगा, 500 को 30, 3,000, 2,000 ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 5,000, यहाँ पे क्या लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे, तीनों को जोड़ लोगे तो 5×4 = 9, 2×3 हाँ ठीक। उसके बाद देखो अब मेरे को एक दिक्कत है भाई, मैं ज्यादा बड़ा देख रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो उसने क्या बोल रहा है, सैलरी दी तो तू क्या लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे तो सैलरी यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टू पार्टनर तो सैलरी भी लिख सकते हो, सैलरी अकाउंट ठीक है। पारस को कितनी दे रहे हो, पारस कौन से अपन 8,000, साल भर की 8,000 दे रहा बेचारे गरीब को, बताओ तुम्हें मिलेंगे तुम तो भूखे मर जाओगे, साल भर का 8,000 है ना। उसका विकास को कितने दे रहा है, 6,000, 6,000 उस 6,000 को लिखोगे टोटल अब तो देंगे कर लोगे, टोटल कर लोगे कितना आएगा, 8,6 14, ये बताओ जोड़ना नहीं आता तुम लोग को, हाँ ठीक है है ना। अब उसके बाद मैंने 14,000 ये लिख दिया, उसके बाद उसने क्या बोला है, उसके बाद उसने कुछ बोला है नहीं, हो गया ना कुछ बोला ही नहीं उसने, नहीं कुछ नहीं बोला है ना। तो आप जब कुछ नहीं बोला तो आप उसको हम पहले मूव करेंगे थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे राइट पे कह देंगे, और मैं 5,000 विड्रॉ कर लिया तो ये बताओ इसमें दिखते थे हम उस चीज को, तो उसको उस चीज में तो ध्यान ही नहीं देना है ना। सबसे पहले क्या करोगे, टोटल करोगे डेली है ना, अब टोटल तो तुम लोग कर सकते हो यार दोस्त, हाँ सर हाँ, और इसको थोड़ा एडजस्ट करके बना ना सीधा, अच्छा है ना, सुंदर सुंदर। तो अब तो मुझे ये बताओ, तो डेबिट का नोट लिखोगे तो इसको वर्किंग नोट वाला दिखाना, इसके तो कॉपी में कर लेना। तो देखो डेबिट तरफ पर जब तुम लिखोगे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ना, तो डेबिट तरफ पे टोटल कितना है ये देखो, 12×6 = 12×14 = 26 ठीक है। और जिसको जोड़ना नहीं आता वो ऐसे भी जोड़ सकता है, अच्छे से लिखा हुआ 4×6 और ये ठीक है। क्रेडिट का कितना दिया हुआ है टोटल, ये बताओ 62,000, ज्यादा कहाँ का ये बताओ, क्रेडिट है ना, तो मतलब का लिखना कहाँ है, प्रॉफिट यहाँ,
यहाँ प्रॉफिट ही हुआ है ठीक है। तो 62,000 में जब 26,000 माइनस करोगे तो 12 में 6 गए 6 5 में 2 गए 3 तो 36,000 आ जाएगा। प्रॉफिट कितना आएगा 36 आएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखो टू प्रॉफिट कुछ नहीं लिखा है तो कैपिटल देखो है ना ठीक है। ट्रांसफर टू कैपिटल अगर करंट अकाउंट भी है साथ में तो कैपिटल भी क्या लिखोगे करंट। मुझे बाकी में बाद में समझा दूंगा। तो ये देखो पारस का पैसा विकास का पैसा और नितिन का पैसा टोटल करके कितना आ जाएगा 36,000 ही आएगा। इसी को तो काटना है ठीक है। इरेज करोगे तो ये मैंने इरेज इरेज कहाँ पे उसके बाद देखो तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट लिखेंगे क्या लिखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ का भिजवा देना भेजना तुम्हारा तुम्हारा सर में नाम नहीं लूंगा वीडियो में आएगा तो कभी देखने को आराम से तुम्हें मस्त पढ़ाएंगे लाभ का भिजवा देंगे ठीक है। उसके बाद देखो पारस का निकालोगे तो रेशियो क्या था मुझे ये बताओ उसके बाद तीन से सात उसका विकास करेंगे 36,000 का टर्नओवर हो गया क्या होगा व्हाट अरे बस काटना है पास इसको काट के टू का तो 36 व्हाट अपॉन आई तो ठीक है पास कर दो पास कर 35 और 5000 7200 ठीक है। पास नीति को कितना मिलेगा भाई नीति को भी नहीं मिलेगा तो बंद बार से कितना मिलेगा 7200 उसको आप बता दोगे भाई ठीक है। 600 का कितना था 7200 और इसका भी कितना था ये बहुत भारी नुकसान हो गया अपने साथ। ऑडियो चालू ही नहीं हुआ पूरी क्लास बर्बाद हो गई अपने बहुत अच्छी क्लास चल रही थी ना जबकि ये ठीक। अरे यार किस्मत ही खराब है सर मुझे डांटेंगे बोले कि क्या करते हो सर आप है। अरे यार सेट 7200 तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे ना ठीक है। उसका इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 62,000 ही आएगा ना बस उसको लिख लेंगे हो गया कोई दिक्कत क्वेश्चन समझ में आया। दिखने में तो मक्खन की तरह लग रहा हो करने में थोड़ा जाएगा ठीक है। अब मैं फिर से बता देता हूँ ना थोड़ा अब उसको ओवरऑल बता अब ऑडियो तो चालू हो नहीं पाया था तो थोड़ा सा ऐसे ही बता दूं। अरे ठीक है इसको बोलूंगा सर ऐसे ही डाल दो आप तो मैं सोच रहा कोई एक अच्छी वीडियो तो मैं घर वालों को दिखा दूं मैं कैसा पढ़ाता हूं देख लो पहली वाली है अच्छी आपने देखी नहीं घर में कैसी लगी थी लग रहा था ना कि मैं वीडियो बनाऊंगा चल जाएगी एमपी बोर्ड हां अरे पैसों के लिए काम पैसे देखो पैसों के लिए पढ़ाओगे ना मतलब पढ़ाता सब काम पैसों के लिए करते हैं। पैसों के लिए करोगे ना कुछ तो उतना अच्छे से नहीं कर पाओगे। इंटरेस्ट के लिए करोगे तो कर लोगे। पूछो मैं पिछले साल पढ़ाने आता था मैं कितनी छुट्टी करता था पूछो जबकि ऐसा नहीं कि मैं घूमने नहीं जाता हूँ कितनी छुट्टी करता था मुश्किल से ही छुट्टी होती थी मेरी मैं छुट्टी नहीं करता था। देखो तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे और वो निकालेंगे तो ये देखो 5% तीनों का निकाला तो 5,000, 4,000, 3,000 आया तो वो तीनों को ले लिया उसको फिर जोड़ के 12 कर दिया। प्रॉफिट देखा तो प्रॉफिट 62,000 था ठीक है। उसके बाद उसमें सैलरी तो सैलरी लिखी पारस की सैलरी विकास की सैलरी लिख के 14,000 इधर कर दिया ठीक है। उसके बाद ऊपर देखो उसके बाद क्या किया उसके बाद हमने कास्टिंग की बैलेंस कास्टिंग की 62,000 फिर देखा तो हमने देखा कि यहाँ कम पड़ रहा था भाई कितना 36,000 तो ये प्रॉफिट है यहाँ आया तो प्रॉफिट ही है। उसको फिर हमने उसको इस रेशियो में 3:1:1 पर बांटा ठीक है तो ये बांट दिया उसको वैसा लिख दिया और हो गया तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना तुम सीख गया मैं तुम्हें कभी भी बनाने को दूंगा तो बना पाओगे ठीक है। मैं 3 क्वेश्चन देता हूँ करके लाना इसको लिखना जरूरी है तुम लोग को
वर्किंग नोट को नीचे करना है, ज्यादा ऊपर करोगे ठीक है, कनम्बर नहीं कटेंगे, पर पहले अब बोलेगे सर हम थोड़ी जगह देखो समझ में आ जाती है इंसान को, आ जाती है ना। हाँ ठीक है लिख लो, हाँ हाँ समझ लो है, इसको वीडियो काट दो ना अब।